यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन में रहे, यदि इच्छा तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन रहे। ये पंक्ति है मेरे आदर वीर विजय सिंह पथिक जी की, जो बाबा साहब से भी पहले एक बड़ी हस्ती है इस देश में, सुभाष चंद्र बोस के गुरु वो रहे हैं, और उनका यदि दर्शन यदि आप लोग पढ़ेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो निश्चित एक दूसरे बाबा साहब आपको मिलेंगे। हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश राणा प्रोफेसर गाजियाबाद से, लोहित बैसला जी। मैं केवल इतनी बात यहाँ कहूँगा कि मैं सुबह से ही 10:30 बजे से यहाँ आ गया था, सभी को सुन रहा था, बेरोजगारी और रोजगार की बातें युवाओं को लेकर हो रही हैं। असलियत में सच्चाई ऐसी है कि बहुत कड़वी है, और दो पंक्तियों में मैं अपनी बात कहता हूं कि सर कटे हैं इतने, तुम्हें एहसास क्या होगा, बहा लो खून सड़कों पर, तुम इतना तो सोचो मगर वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। मैं इस बात को समेटते हुए कि यदि इस देश के निर्माण की बात होती है, बहुजन के निर्माण की बात होती है, तो हमें जो जातियों में फंसाया गया है, इसको समझना पड़ेगा, हमें फंसाया गया है, हमें फांसा गया है, उस फांस को नहीं निकाला जाएगा, उस आडंबर को नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम निश्चित रूप से सिमटते जाएंगे, कोई हमें बचा नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध के तौर पे बहुत जल्द मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं 1994 से समाज के बीच जमात में काम करता हूं, जमात में विश्वास में बात करता हूं, मंच और माला से दूर रहता हूं। मैंने एक ऐसा विश्व अपने सामने मतलब फैलाते हुए देखा है, हम बहुजन की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम मैदान में फील्ड में जाने की हिमाकत नहीं करते, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और एक विश्व हो सकता है, मैं आपको चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, अपने सम्मानित मंच को भी, हम चमड़िया साहब को अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग यहां बैठे हैं, अभी श्रीवास्तव साहब अपनी बात कह के गए हैं, सच ये है कि हम लोग सच्चाई को अंगीकार नहीं कर रहे हैं। जो मलाई ओबीसी का आदमी चाहे SC ST का आदमी जो मलाई में आ गया है, वो अपने समाज की तरफ नहीं देख रहा, ये सच्चाई है हमारी। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये जख्म भी हमारे हैं और मरहम भी हमें बनना पड़ेगा। केवल बुरा मत मानना, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत शानदार बात कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं जब तक हम चौपाल नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग जहां तमाम लोग बैठे हैं, बाबा साहब अकेला था, विजय सिंह पथिक अकेला था, पेरियाराम स्वामी नागर भी अकेला था, हमारे जो सावित्री बाई फुले भी अकेले थी, आप लोग तो हैं कम से कम 200-250 बैठे हैं, हम तो 200-250 देश बदल सकते हैं, उन्होंने तो एक देश को बदला था। क्रांतिकारियों की आप बात करते हैं, क्रांति केवल शब्दों में नहीं है, क्रांति या तो दिल में है या हमारे दिमाग में है। जो बाबा साहब कहता है कि वो तब तक विद्वान है जब तक हम अज्ञान है, अब तो बुद्धिमान हो गए, अब भी गुलामी क्यों झेल रहे हो, अब भी गुलामी में क्यों रहते हो, ये सच है देश का। आज आप बात कर रहे हैं कि 90% 80% हम ही लोग हैं जो लेबरर हैं, जो मजदूर हैं, हम क्यों नहीं तकदीर बदलने का काम करते। RSS की मीटिंग में मुझे एक मित्र ने, ये सच्चाई मैं आपको बता के अपनी बात खत्म करूंगा, मैं चाह रहा था आप लोगों को बताऊं, जरूर किसी ना किसी ब्राह्मणवादियों ने कोई ना कोई या पहरेदार जरूर भेजा होगा, खबर लेने के लिए जरूर भेजा होगा। RSS में जो जहर चल रहा है, इस देश को मारने की जो काम चल रहा है, जो हमारे बाबा साहब ने इस देश के निर्माण का काम किया था, उसको मारने का काम कर रहा है, हम उसका इसलिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, कभी सोचा है क्या? हमारे दलित सांसद, दलित MLA मजे से AC में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं कि देश को बचाने की बात करते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, जब ये ब्राह्मणवादी मनुवादी हमारा नाश कर रहे थे, वहां सो रहे थे या तालियां बजा रहे थे या व्यवस्था तपा रहे थे, कहां थे? हमारे हकों को छीना जाता है, मंडल कमीशन को फाड़ कर फेंक दिया गया है, रिजर्वेशन को तहस-नहस कर दिया गया, या इस देश की अदालतें क्या कर रही है, क्या आप लोगों को पता नहीं है? मैं RSS की घटना को आपको बताना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने तकदीर देश की लिखी, विजय सिंह पथिक जैसे लोगों ने तकदीर देश की लिखी, उसको मारने का काम चल रहा है मेरे सामने, आंखों के सामने भारत की, उसका पुरजोर जवाब मैंने दिया। वो कह रहे थे, एक अखिल भारतीय स्तर का इनका प्रचारक, वो कह रहा था कि जो जल साहित्य का सृजन हुआ,
जो दलित इतिहास बना है उसको मरना होगा। माननीय चमड़िया साहब, आप एक विचार का एक बड़ा बारूद का गोला बना रहे हो बहुजन का, मुझे बहुत खुशी होती है। मौका मिला तो मैं भी लिखने का काम करूंगा, लेकिन ये फांसीवादी ताकतें, ये मनीवादी ताकतें, ना इन्हें देश से प्यार है, ना बहुजन से प्यार है, ना दलित से प्यार है, ना शोषित से प्यार है। वो कहते हैं कि इस देश में जो दलित साहित्य और इतिहास का सृजन या इतिहास बना है उसको मरना होगा, उसको मिटाना होगा। वो चैलेंज है हमारे लिए। दूसरी बात और कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता और इतिहास है उसको मिटाना होगा, उसको बदलना होगा। यह सरस्वती का इतिहास बनेगा और लिखा जाएगा। कल्पनाओं का भारत बनाने निकले हैं, ये विध्वंस का भारत बनाने निकले हैं, इसे कौन बचाएगा? आप और हम लोग मिलकर बचाएंगे। केवल ऐसी ऐसी की बात ना हो, बहुजन की बात हो, पिछड़ा भी हो, दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, किसान भी हो, मजदूर भी हो, वैसा भारत। आप लोगों से निवेदन के साथ इस सच्चाई को अवगत कराते हुए अपनी जगह पर जाऊंगा। उन्हें आपसे मैं वो अध्याय हूँ बुजुर्गों के बलिदान का, छुपा हूँ किसी कोने में इतिहास बनकर, मैं वो कल्पना हूँ कवि हृदय की, लौटी हूँ विरोह का श्रृंगार बनकर, सिर्फ आंसू में बहाओ मेरे दोस्तों, हालात से टकराओ कोई सैलाब बनकर, जय पति, जय भीम, जय भारत।